निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर एस्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। नमस्कार, मैं मूलचंद्र सिंह और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया। तो आज MTTV इंडिया पर बात करेंगे हम सुशील पाल से, जो कि MTTV इंडिया के संपादक हैं और सोमवार से काफ़ी चर्चा में भी हैं। सोमवार को हुए नगर निगम वाले मुद्दे पे हम लोगों के आए हुए कुछ सवाल हैं जो हम उनसे पूछेंगे, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। सुशील सर, लोगों के कई सवाल हैं, कुछ सवाल फेसबुक के माध्यम से हमारे पास आए, कुछ यूट्यूब के माध्यम से आए और कुछ लोग मिलते हैं तो सवाल करते हैं। कुछ लोगों के अच्छे सवाल भी थे और कुछ लोगों के ऐसे सवाल भी हैं, तो हमें लगा कि उन सवालों पर आपको घेरा जाए कि क्यों ना हम आपसे वो बात सीधे सीधे रूबरू होके ही आपसे वो सवाल कर लिया जाए। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ। तो पहला एक सवाल है जो फेसबुक पे आया था, किसी ने वीडियो देख के बोला ज़्यादा तो कोई मारपीट नहीं हुई थी। ज़्यादा तो कोई मारपीट नहीं हुई। चलिए, आप सवाल पूछ रहे हैं, कुछ सवाल आए हैं लोगों के, बहुत सारे सवाल हैं और मुझे अच्छा है कि हमारे संस्थान के अंदर भी हमारी स्वतंत्रता पूरी है, कोई भी रिपोर्टर सवाल कर सकता है इसमें। जब ऐसी घटना पूरी हो रही है, अजमेर नगर निगम में ऐसी घटना हुई है, तो सबसे पहली बात है कि पूरी घटना में मामूली सी बात अगर इसको बताया जा रहा, तो मुझे लगता है एज अ मीडिया जर्नलिस्ट हमारा रोज का काम है, कभी पुलिस से होती है हमारी तकरार, कभी किसी IAS अधिकारी से हो सकती है, कभी किसी RS अधिकारी से हो सकती है, लेकिन आप इसको आम आदमी के नज़रिए से सोचकर देखिए कि कोई आम आदमी वहाँ पर जाता है जब एक जर्नलिस्ट के साथ में इस तरीके की घटना हो सकती है, तो फिर आम आदमी के साथ क्या व्यवहार वहाँ पर होता होगा। और उसी की कड़ी मंगलवार को MTTV इंडिया दिखाएगा, जिसको हमने स्पेशली सोमवार को ऑन एयर नहीं किया, उस पार्ट को हमने नहीं दिखाया। और हम वही चीज़ दिखाना चाहते हैं कि जो निगम में अधिकारी हैं, जो ज्ञापन, जो अपनी समस्याओं को लेकर लोग आते हैं, उनका समाधान किस तरीके से किया जाता है, उनके साथ में व्यवहार क्या होना चाहिए, उनको क्या सम्मान मिलना चाहिए। जिस जनता को जो सम्मान मिलना चाहिए अधिकारियों के माध्यम से, वो सम्मान नहीं मिलता है, हमें तो वो भी नहीं चाहिए। हम एक बहुत छोटी सी चीज़ कह रहे हैं कि गाय जैसे संवेदनशील मामले में उनकी मौत हो रही है, क्योंकि गाय को माता का दर्जा हिंदुस्तान में दिया जाता है, धर्म के अंदर हिंदू धर्म में भी इसकी बात है, तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब इतना बड़ा मामला चल रहा है और इस मामले के अंदर कोई अधिकारी ये सोचे कि हम कैमरा बंद कर दें, हम उस मामले को ना दिखाएं, और उसके लिए इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, फ़र्क ये पड़ता है कि ये घटना किसी आम आदमी के साथ नहीं होनी चाहिए। आम आदमी के साथ अगर ये घटना होती है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एज अ जर्नलिस्ट हमारे साथ होती है, फ़र्क नहीं पड़ता। डिमांड हम करते हैं हालांकि कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द राजस्थान के अंदर लागू हो, जैसे MP में कांग्रेस की सरकार लागू करने वाली है, ड्राफ्ट रेडी हो चुका है, ऐसी ही डिमांड हम राजस्थान में भी करते हैं कि गहलोत सरकार जल्द से जल्द जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लाए, जिससे कि जो लोग कई अधिकारी हैं किसी कानून का दुरुपयोग करते हैं, जैसे इसी मामले में देख लीजिए आप, SC ST एक्ट की बात आ रही है, उस कानून के तहत हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज होने की बात हो रही है, तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की नीड है। जो लोग खुलकर पत्रकारिता करना चाहते हैं, जो लोग स्टिंग ऑपरेशंस जो दब गए थे, छुप गए थे, जो कुछ खोजी खबरें हैं, जो खोजी पत्रकार हैं, वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे लगता है प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत ज़रूरत है जी। तो सुशील सर, वहीं एक दूसरा सवाल ये भी आया है हमारे पास, सवाल तो बहुत अच्छा है, माँ से पूछते हैं कि शायद तुमने ही अंदर गाली गलौज करी होगी, तो इसका आप हमें पूरा बताइए। गाली गलौज की बात सही है, कई लोगों ने पूछा है और हो भी सकता है, ऐसी नोकझोंक होती है तो आमतौर पर आदमी गाली बकी देते हैं, लेकिन आप उठा के देखेंगे मेरे जितने भी जर्नलिस्ट साथी हैं या मेरे साथ में काम करने वाले लोग हैं, तो पहली मरतबा तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जबान से शायद मेरे स्कूल के या कॉलेज के दोस्तों ने भी कभी गाली नहीं सुनी होगी, मेरा कुछ आचरण ऐसा ही रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को आज जो हम मंगलवार को रिलीज़ कर रहे हैं, इस पूरे वीडियो के अंदर आप पूरा घटनाक्रम देखिएगा, मैं मेरे दर्शकों को भी कहूँगा कि उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए जो मंगलवार को हम रिलीज़ कर रहे हैं, और इस वीडियो के अंदर देखिए कि क्या MTTV इंडिया के संपादक सुशील पाल ने कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई गाली गलौज या फिर जिम्मेदार अधिकारी, जो RS अधिकारी हैं, है ना, सम्मानीय पद है वो एक निगम का, डिप्टी कमिश्नर के पद के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके साथ क्या कोई अभद्र व्यवहार भी किया है। अगर किया है तो मैं दोषी हूँ और मुझे जो भी नियम के साथ में अगर सजा है तो आप वो दे दीजिए, अगर है ऐसा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ तो शायद स्कूल और कॉलेज के दोस्त भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे जी। तो वहीं एक सवाल ये भी आया हमारे पास कि लोगों के साथ क्या क्या और कितना होता है ऐसे सरकारी दफ्तरों में, अब खुद के साथ हुआ तब समझ आया। नहीं, ऐसा नहीं है। MTTV इंडिया कभी भी, MTTV इंडिया के साथ ऐसी चीज़ें बहुत बार हो चुकी है, पहले हमने बजरी खनन के ऊपर स्टोरीज की, तब हमारे साथ हुआ ऐसा,
बिल्कुल फिल्मी स्टाइल वाले सीन हमारे साथ हुए हैं, पुलिस वाली जब स्टिंग ऑपरेशन हमने किए तब भी हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है हमारे साथ तो ऐसा होता रहता है, लेकिन बात यह है कि हम तवज्जो मीडिया होने के नाते नहीं है ना, हम आम आदमी की आवाज़ है, हम आम आदमी के लिए पत्रकारिता करते हैं, उन्हीं के लिए काम करना चाहते हैं, उनके साथ जब भी जहाँ पर भी गलत हुआ है हमारा कैमरा बंद नहीं हुआ है। मैं यही चीज़ कह रहा हूँ, अजमेर शहर में किसी भी मीडिया संस्थान के कैमरे बंद हो सकते हैं, उनके पत्रकार अखबार में छापने से बच सकते हैं, उनके पत्रकार हो सकता है कि अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर ना चला सकें, लेकिन यही डिजिटल मीडिया की क्रांति है कि डिजिटल मीडिया के दौर में जो पत्रकारिता दब गई थी, छुप गई थी, उसको सामने लेकर हम आए, और उसी के मद्देनज़र मैं अपने पूरे दावे के साथ, विश्वास और भरोसे के साथ ये कहता हूँ कि एमपीटीवी इंडिया का कैमरा कभी भी जहाँ आम आदमी के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो या फिर वो कहीं पीड़ा में हो, किसी समस्या में हो, ये कैमरा कभी बंद नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, दूसरा सवाल भी मेरा इससे मिलता जुलता ही होगा, क्योंकि एक सवाल हमारे पास ये भी आया है कि कैमरा ही बंद कर देते हैं तो बात ही कुछ नहीं थी। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, बहुत लोगों ने मुझे भी यही कहा, काफ़ी अधिकारियों ने भी मुझे यही कहा कि आप कैमरा ही बंद कर देते उस वक्त। देखिए जब घटनाक्रम हुआ तब मैं बाहर था, हैं मेरे सहयोगी अंदर, राजवीर अंदर थे कैमरे पे। जो ज्ञापन की एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत अधिकारी के और जो लोग जाते हैं ज्ञापन के साथ मांग करने के लिए अपनी समस्या को लेकर जाते हैं, उसके जो विजुअल हमको चाहिए होते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया के पार्ट हैं, तो हमारे पास सब कुछ जो तस्वीर होती है वो विजुअल के आधार पर ही होता है, हमारा आधार ही विजुअल होता है, हमारे पास वो ही नहीं है तो पर क्या खबर दिखानी। अगर हमको अखबार की तरह सिर्फ टेक्स्ट में खबरें दिखानी है, लोग उसको तैयार हैं लेने के लिए, तो हमको बताते हैं हम ठीक है, हम कल से एक ही काम करेंगे, हम तस्वीरें लेना बंद कर देते हैं, हम कैमरा अपना बंद कर देते हैं, हम भी ब्लैक स्क्रीन की तरह उसके ऊपर टेक्स्ट के साथ में खबर दिखाना शुरू कर देते हैं, ठप 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 करके, जैसे अखबार में कीबोर्ड चलते हैं ऐसे हम भी दिखा देते हैं। लेकिन कैमरा बंद नहीं हो सकता था क्योंकि वहाँ पर बहुत तीखी नोकझोंक चल रही थी। वो तीखी नोकझोंक ये चल रही थी कि उस तीखी नोकझोंक के आधार पर ये देख लीजिए आप, वायलेंस वहाँ पर हो सकता था, और ये बात उस वीडियो के अंदर भी कही जा रही है, हमने कहा है उसके अंदर कि सर ये कैमरा इसलिए चल रहा है कि जिससे हो सकता है कि कोई यहाँ पर आदमी, कोई लड़का, कोई ऐसा आदमी आ जाए जो आपके साथ मारपीट कर ले, आपके चैम्बर के अंदर मारपीट कर ले, ये इसलिए ज़रूरी है, ये लोग बाहर चले जाएंगे, ज्ञापन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, हम भी बाहर चले जाएंगे। उन्होंने कहा बाइट लेने के लिए मैं आपको बुला लूँगा, तो हमने कहा ठीक है, अंदर कवरेज के लिए भी आपने बुलाया था, बाइट के लिए भी आप बुलाएंगे, हम आ जाएंगे, चल जाते हैं हम बाहर, जैसा कमिश्नर मैडम ने अपने बाहर कर रखा है, वहाँ तो नहीं हुआ ऐसा आज तक, क्यों नहीं हुआ वहाँ पर? कमिश्नर मैडम के चैम्बर के बाहर पत्रकार साथी खड़े रहते हैं हमारे, हम भी खड़े रहे उस दिन, हमने भी कोई ऐसा नहीं कहा, हमने कहा कमिश्नर मैडम आदेश है, ठीक है साहब यहाँ खड़े, आपने जब बुलाया हमको तभी तो हम आए हैं ना। जब और उसमें भी मैं तो बहुत बाद में अंदर गया हूँ, तब मेरे सहयोगी को कहा गया इतनी तीखी नोकझोंक में, तो मेरे सहयोगी ने कहा कि आप हमारे संपादक से बात कर लीजिए, उनसे कहलवा दीजिए कि मैं कैमरा बंद कर लूँ, क्योंकि मेरा काम है, मेरा धर्म है, और वो मैं कभी छोड़ नहीं सकता। जी एक ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसे, एक आखिरी सवाल मेरा, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि तुम यूट्यूब और फेसबुक पर हो इसलिए इतना कर देते हो और तुम रजिस्टर्ड भी नहीं हो। बहुत अच्छा सवाल है, और राजस्थान के अंदर इसको लेकर जागरूकता नहीं है, क्योंकि हमारे संस्थान के अब हमारी मतलब इंडस्ट्री के तीन पार्ट हो चुके हैं एक तरीके से, एक प्रिंट मीडिया हमारा, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और अभी एक नया जो चलन में आ गया है 2015 के बाद से, न्यू मीडिया यानी कि डिजिटल मीडिया आ गया है। डिजिटल मीडिया के दौर के अंदर समस्याएं कई तरह की खड़ी हो गई हैं, हमारे कई पत्रकार साथियों के सामने जो पुराने हैं उनके सामने समस्या खड़ी हो गई है कि डिजिटल मीडिया के दौर में कैसे कॉम्पिटिशन किया जाए, ये कॉम्पिटिशन का ज़माना आ गया है, और इस कंपटीशन के ज़माने के अंदर देखने को आ रहा है कि प्रिंट मीडिया के जो बहुत सारे साथी हैं वो तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं एक तरीके। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था, क्योंकि मेरी शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से थी, तब भी ये देखा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर नेताओं से कई बार ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहे कि पहले आप ठीक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपको चलाना है वहीं चला लीजिए, अखबार की क्या अहमियत है? नहीं, सारे मीडियम की अपनी अहमियत है, डिजिटल मीडिया का दौर है इसकी अपनी अहमियत है। 2015 में मोदी सरकार ने एक कानून पास किया जिसको न्यू मीडिया नाम दिया गया डिजिटल मीडिया को, और इसके तहत तमाम राज्यों की सरकारों को ये आदेश दिया गया था कि भाई अब क्योंकि मोबाइल की इंडस्ट्री हो गई है, हर आदमी मोबाइल के ऊपर है, कंप्यूटर के ऊपर है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, इसलिए डिजिटल मीडिया को न्यू मीडिया का नाम दिया गया और उसको 2015 में लागू किया गया। हर राज्य के अपने कानून थे, अलग अलग राज्यों ने कानून भी बनाए। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 12 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसके ऊपर कानून बना दिए हैं, इसके ऊपर वहाँ पर विज्ञापन की पॉलिसीज़ भी हैं और इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाइयाँ भी होती हैं, यानी कि जो वेब मीडिया के पत्रकार हैं, डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, वो जब काम करते हैं
तो उनको सरकार विज्ञापन भी देती है, उनके लिए सुविधाएं भी देती है, और उनको जो खबरों के ऊपर असर होना चाहिए वो भी होता है। लेकिन राजस्थान के अंदर अभी जो एक चीज़ जो डाउटफुल है, क्लियर नहीं है लोगों को, राजस्थान की सरकार ने अभी तक डिजिटल मीडिया पर कानून नहीं बनाया है। लेकिन मोदी सरकार ने 26% की FDI मंजूरी के साथ एक विधेयक, एक सर्कुलर है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर अपलोड कर दिया है। उस सर्कुलर में साफ लिखा हुआ है कि अब जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार साथी जो आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी राज्यों के अंदर, उनको RNIC से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले की जो प्रक्रिया थी वो ये थी कि आपका रजिस्ट्रेशन या तो आप एक प्राइवेट कोई कंपनी लिमिटेड होनी चाहिए, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या फिर आपके पास MSME का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें आप रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या फिर आप कोई ट्रस्ट के माध्यम से आप इस काम को शुरू कर सकते थे। क्योंकि डिजिटल मीडिया के अंदर जो एक URL होता है, IT Act सीधे तौर पर आपके ऊपर लगता है, आपका एड्रेस जो होता है, पता होता है, वो एक URL होता है, वो आपका पता होता है, उसको कोई चुरा नहीं सकता किसी प्रकार से, ना ही उसकी कोई कॉपी कर सकता है। उसके ऊपर सरकार ने सख्त, मोदी सरकार ने आदेश दे रखा है सभी को और सभी राज्य को कि अगर कोई भी इस तरीके से फेक न्यूज़ या फिर सोसाइटी के अंदर हिंसक कोई कंटेंट ऑन एयर करता है, हिंसक कंटेंट कोई ऑन एयर करता है जिससे कि सोसाइटी के अंदर माहौल ख़राब हो सकता है, सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है, उन तमाम के ऊपर तुरंत प्रभाव से IT Act में मुकदमा दर्ज हो सकता है। अगर हम भी गलत होते हैं तो हम भी कहते हैं कि पुलिस या कोई भी अगर हमारे किसी भी कंटेंट में ऐसा दिखता है तो हमारे ऊपर IT Act एप्लीकेबल है, वो तुरंत प्रभाव से लग सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार साथी हैं उनका अखबार चलाना ये ज़रूरी नहीं है, उनके पास या तो कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो या फिर MSME का सर्टिफिकेट हो, और हमारे पास वो तमाम चीज़ें हैं जो चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। तो इसी के साथ एक मेरा निजी सवाल भी, आज आप घेरे में भी और खेमे में भी हैं, तो एक सवाल, पत्रकारिता की इतनी बातें हो रही हैं, YouTube, डिजिटल मीडिया सबको लेके, रजिस्ट्रेशन को लेके बहुत सी बातें हो रही है, तो एक सवाल मेरे मन में आता है पत्रकारिता के कल्चर को लेके, बहस के, एक अच्छी बहस के कल्चर को लेके। जैसा कि मैंने पूरा सीन देखा कल का, मैंने पूरा नगर निगम वाला वारदात देखा, उसमें आप भी बोल रहे हैं कि ये मेरा कर्म है और धर्म है, तो आप भी एक पत्रकार हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये वो एक अच्छी बहस और शायद एक पत्रकारिता है, वो कल्चर, अच्छी बहस करने का कल्चर, बहस का कल्चर, और लोग जैसे कह भी रहे हैं कैमरा बंद कर देते, और वो कर्म और धर्म दो लाइनों में। तो ये मुझे लगता है कि किसी भी पत्रकार का, एक रिपोर्टर का उसका माइक और एक कैमरामैन का उसका कैमरा, ये कभी भी, जब भी जनता की आवाज़ दब रही हो तो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। ये बंद हो जाता है तो मुझे लगता है उस आदमी को तुरंत प्रभाव से पत्रकारिता का पेशा छोड़ देना चाहिए। हम पत्रकारिता में जब भी आएँ इसी चीज़ को बदलने के लिए आएँ। मैंने आपको ये चीज़ कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कई खबरें ऐसे रुकने लग गई थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो कवरेज नहीं करता था जो कवरेज बहुत ज़रूरी है, जो आम आदमी से सीधी जुड़ी हुई कवरेज है, छोटी छोटी जो खबरें होती हैं जिसमें छोटी छोटी मांगे होती हैं, जो क्योंकि छोटे मसले ही बड़े मसले बनते हैं, उन मसलों को नहीं दिखाया जाता था, और इसीलिए डिमांड हुई, डिजिटल मीडिया की डिमांड हुई, और इसी के तहत नेशनल लेवल पे आप देखिए क्यूंट हुआ, द वायर हुआ, प्रिंट हुआ, स्क्रोल हुआ, इनका बहुत बड़ा नाम है। ये लोग सीधा सरकार से सवाल करते हैं, ये लोग डायरेक्टली सरकार से सवाल करते हैं और प्रश्न पूछते हैं, और उसी चीज़ को हमने यहाँ पर एप्लीकेबल किया, लोकल लेवल पे एप्लीकेबल किया, स्टेट में एप्लीकेबल कर रहे हैं हम उस चीज़ को, डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेबल कर रहे हैं। जवाबदेही तय होनी चाहिए ना पत्रकारिता के अंदर, क्या है जो पावरफुल आदमी है, जो कमज़ोर आदमी है, जिसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, उसकी आवाज़ को दिखाया जाए, प्रशासन तक पहुँचाया जाए, सरकार को बताया जाए कि आपके निठल्ले अधिकारी ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप इस हकीकत को मत दिखाइए। तो मुझे लगता है अगर कोई किसी अधिकारी के कहने पर, किसी मंत्री के कहने पर, किसी संतरी के कहने पर अपना कैमरा या माइक जो है वो नीचे रख लेता है, बंद कर देता है, तो उसको पत्रकारिता का पेशा उसी दिन छोड़ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील सर, आपने सभी सवालों का जवाब मेरे हिसाब से बखूबी दिया है, मुझे भी मेरे सवाल का जवाब अच्छे से मिल गया, और शायद उन लोगों को भी ये जवाब मिल ही गया होगा जिन लोगों के ये सारे प्रश्न थे। एक प्रश्न ये भी आया था मेरे पास कि अब ये प्रश्न मेरा पूछना ना, तो शायद उन्हें भी सभी जवाब मिल गए होंगे। तो ये थे MTTV इंडिया के संपादक सुशील पाल, और मैं मोहितेंद्र सिंह मान, और आप देख रहे हैं MTTV।